Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS class for 19 July. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in the safe confines of your home sweet home. We have learnt about this in the chapter My Home. हमने पढ़ा था माय होम चैप्टर में कि हाउ डू वी मेक अ हाउस इनटू अ होम, हाउ डू द पीपल इन अ फैमिली केयर फॉर ईच अदर, कैसे एक दूसरे की केयर करते हैं, काम को सारे काम को घर के सारे कामों को शेयर करते हैं एंड व्हेन फैमिली मेंबर्स इन अ हाउस लिव टुगेदर दे मेक इट अ होम विद देयर लव एंड केयर फॉर ईच अदर. सो चिल्ड्रन स्टे in your home sweet home, stay safe and stay healthy. We should be considered very very blessed to have proper home. जिसके पास हम लोग के पास घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, we have all the facilities, we should be considered ourselves very very blessed. कि हमारे पास सारी चीजें हैं. There are so many people, lakhs of people who do not have home. Proper home to live comfortably. They do not have enough clothes to cover themselves properly. है ना? तो children do take care of yourselves because lives are very very precious. सबसे precious चीज life है. सब कुछ मिल जाएगा but life दोबारा नहीं मिलती है. Okay? So we are doing. Let us come to the chapter. The chapter is my neighborhood. ठीक है? As we all know that we do not live all alone. हम कहीं जंगल में एक घर बना कर तो नहीं रहते हैं. We live in a society, we live in a colony. There are people around us. हमारे घर के आसपास लोग रहते हैं which are our neighbors. There are different type of buildings around our houses, our homes. बहुत तरह की buildings हैं, बहुत तरह की जगह हैं जहाँ पे हम अपनी day to day life में जाते हैं for different purposes. अलग अलग काम के लिए हम अलग अलग जगह पे जाते हैं. फॉर आवर डेली नीड्स, अपनी रोज की जरूरतों के लिए हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं. ऑल दीज प्लेसेस मेक आवर नेबरहुड. ठीक है, ये सारी जगहें जो है वो मिल करके हमारा नेबरहुड बनाती हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट नेबर्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट नेबरहुड. देन नेबरहुड प्लेसेस, मतलब नेबरहुड में कौन कौन सी प्लेसेज है, जो प्लेसेज है दे आर नोन एज नेबरहुड प्लेसेज. Then we have talked about different type of people who work there. पहले तो हमने neighborhood में कौन कौन सी जगह होती है उनके बारे में बात किया. Then we talked about different type of people who work in our neighborhood. इन सब places पे लोग भी तो काम करते हैं ना, बिना काम किए तो places नहीं चलेंगी. सब जगह लोग चाहिए काम करने के लिए, चाहे कितना भी computer आ जाए उस computer को operate करने के लिए भी कोई चाहिए. Isn't it? कितना भी हमें हम एडवांस हो जाए, कंप्यूटराइज सारी चीज हो जाए, बट पीपल आर रिक्वायर्ड टू प्रोग्राम द कंप्यूटर, पीपल आर रिक्वायर्ड टू मैन द कंप्यूटर. उसको चलाने के लिए भी चाहिए, उसमें डेटा तो फिट करना होगा ना. तो वी हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हु वर्क इन दीज नेबरहुड प्लेसेस. हमारे नेबरहुड प्लेसेस में जो लोग काम करते हैं they help us, they are extremely helpful to us in many ways because we go to them for our requirements, for our needs and in return they earn their living. जैसे हम जब उनके पास जाते हैं किसी काम के लिए तो हम बदले में उनको पैसे देते हैं. whether they provide any service or we go to the shop, shop पे shopkeeper ने सामान दिखाया, हमने कुछ भी चीज खरीदी, we pay money, तो उससे उनकी earning होती है. या जो सर्विसेज का मतलब है कि जो लोग जैसे मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, जो लोग आकर के काम करते हैं. हमारे घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फ्रिज खराब हो गया तो यू कॉल अ मैकेनिक, मैकेनिक आया उसने देखा. इलेक्ट्रिक की कोई प्रॉब्लम हो गई, इलेक्ट्रीशियन आया. पानी की कोई प्रॉब्लम हो गई तो प्लम्बर आया. तो ये दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज, वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं एंड इन रिटर्न वी आर गिविंग देम मनी. ठीक है, तो हमने इनके बारे में बात किया था एंड देन वी टॉक्ड अबाउट People who entertain us. ठीक है, हमारे नेबरहुड में ये तो सारे लोग हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं. इट डज नॉट मीन दैट दे लिव इन आवर नेबरहुड, हमारी कॉलोनी में, हमारे
नेक्स्ट डोर नेबर है, ऐसा नहीं है। जैसे सोसाइटी में बहुत तरह के लोग काम करते हैं, तो देयर आर पीपल हु एंटरटेनर्स, जो एंटरटेनर है, जो हमारा मनोरंजन करते हैं, तो वी टॉक्ड अबाउट दोज पीपल ऑल्सो। एंड हु आर दीज पीपल? दे आर द पीपल हु राइट बुक्स और स्टोरीज, पोएम्स लिखते हैं, जो पोएम लिखते हैं, दे आर नोन एज पोएट। जो कविता लिखते हैं, हिंदी में बोलते हैं कवि, इन इंग्लिश दे आर पोएट, ठीक है, पोएट। एंड फीमेल जो होती है, दे आर पोएटेस, ओके। पीपल हु राइट बुक्स और नॉवेल्स और स्टोरीज, जैसे पूरी नॉवेल होती है, पूरी पूरी एक स्टोरी होती है, तो जो लोग बुक लिखते हैं, या बहुत बार अलग अलग राइटर्स की स्टोरीज पूरी एक बुक में कंपाइल्ड होती हैं, तो पीपल हु राइट बुक्स और स्टोरीज दे आर नोन एज राइटर और ऑथर, ठीक है। जो पोएम लिखते हैं, दे आर पोएट। ना हाउ डू दे एंटरटेन अस? वो हमें एंटरटेन कैसे करते हैं? वो हमें एंटरटेन करते हैं बिकॉज व्हेन वी रीड द बुक्स, हमारा सबका अपना अपना फेवरेट ऑथर है, अपना फेवरेट राइटर है, किसी को कैसी स्टोरी पसंद है, किसी को कैसी स्टोरी पसंद है, तो व्हेन वी रीड दो स्टोरीज और व्हेन वी रीड द बुक, वी गेट एंजॉयमेंट, हमें मजा आता है पढ़ करके, तो दे आर एंटरटेनिंग अस। तो सिमिलरली एक्टर्स आर देयर, एक्ट्रेसेस आर देयर, जो टीवी सीरियल्स में, मूवीज में काम करते हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, देन द पर्सन हु डायरेक्ट्स द मूवी, द पर्सन हु प्रोड्यूसेस द मूवी, ठीक है, द पर्सन हु सिंग्स सॉन्ग, जो गाना गाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जैसे म्यूजिशियंस होते हैं, कोई वोकलिस्ट होता है, गाना गाता है, बहुत सारे होते हैं जो अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, दे आर ऑल्सो एंटरटेनर। जो डांस परफॉर्म करते हैं, दे आर ऑल्सो एंटरटेनर। तो ये सब हम वी गो टू सी अ मूवी, मूवी देखने क्यों जाते हैं? क्योंकि काम करते करते बहुत थक गए, चलो मूवी देखते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा। सो ऑल दीज पीपल आर एंटरटेनर। जैसे फोटोग्राफर है, अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स होती है, तो उनको फोटोग्राफ देख के भी बहुत अच्छा लगता है। फोटो तो आजकल हर कोई क्लिक कर लेता है अपने मोबाइल, सबके फोन में आजकल कैमरा है, फट फट जहां भी कुछ देखा फट से फोटो क्लिक कर लिया, बट दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं, उनके पास बहुत अच्छे कैमरे होते हैं, प्लस दे जैसे फोटो क्लिक करना ही नहीं होता है, फोटो क्लिक करते हैं तो पीछे का बैकग्राउंड कैसा है, वहां की लाइटिंग कैसी है, किस एंगल से कहां से लेने से फोटो बहुत अच्छी आएगी, ठीक है ना। तो जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं, वो प्रॉपर कोर्स करते हैं, अलग अलग, जैसे सारे फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो हर एक ही तरह की सारी फोटोग्राफ नहीं खींचते हैं। कुछ फोटोग्राफर्स होते हैं जो वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स, जंगल, इन सब जगहों की फोटोग्राफी करते हैं। कुछ होते हैं जिनको ह्यूमंस की फोटोज क्लिक करने में अच्छा लगता है, सो वो तो अपना उनका उनकी चॉइस है कि कैसी वो फोटो क्लिक करते हैं, बट ठीक है। बट फोटोग्राफर्स आर प्रोफेशनल्स। जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं, दे अर्न देयर लाइवलीहुड वो फोटोग्राफी से। हम लोग तो फोन से ऐसे शौक के लिए फोटोग्राफ खींच लेते हैं, कहीं गए मस्ती करने गए, फोटो क्लिक कर लिया, तो हम तो अपने शौक के लिए करते हैं। जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं, फोटोग्राफी इज देयर प्रोफेशन, ठीक है, फोटोग्राफ क्लिक करके दे अर्न मनी फॉर देमसेल्फ। सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हु वर्क इन अवर नेबरहुड, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हु एंटरटेन अस। तो हमने बहुत तरह के लोगों के बारे में जाना, एंड देन आई टोल्ड यू अबाउट लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट मैंशनड इन द बुक। जितने बुक में मैंशनड है, उसके अलावा भी मैंने आपको बहुत सारे ऐसे बताए जो कि बुक में मैंशनड नहीं है, ठीक है। सो इन आवर नेबरहुड एवरी वन डज समथिंग और द अदर, हर कोई ना कोई काम करता है। किसी भी काम को हमें छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल काइंड ऑफ वर्क एंड ऑल द पीपल हु वर्क। जो भी लोग काम करते हैं हमारे नेबरहुड में, चाहे वो कोई भी काम करते हो, वी शुड गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू एवरी वन। सारे काम को, हर तरह के लोग को हमें इक्वल रिस्पेक्ट देना चाहिए। एंड इफ यू डू सो, अगर हम ऐसा करेंगे तो अवर नेबरहुड विल बिकम अ वंडरफुल प्लेस टू लिव इन। ऑब्वियसली बात है कि जहां पे हर कोई एक दूसरे को रिस्पेक्ट देता है, इज्जत देता है, अच्छे से बात करता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, तो वो तो अच्छी सी जगह होगी ही, है ना। अभी जैसे डोमेस्टिक हेल्प है, आप सोचते हो अरे वो तो घर में आकर के हमारा काम करती है, बट आप जस्ट इमेजिन कि किसी दिन अगर डोमेस्टिक हेल्प नहीं आती है तो मम्मी के लिए कितना सारा काम हो जाता है, ठीक है। किसी दिन अगर हमारे घर में डोमेस्टिक हेल्प नहीं आती है, तो वी गेट सो मच, कितना परेशान हो जाते हैं कि बाप रे बाप अभी कितना सारा काम बचा है, बर्तन भी धोने हैं, खाना भी बनाना है, झाड़ू पोछा भी करना है, डस्टिंग भी करनी है, क्लास भी लेनी है, वीडियोस भी बनाने हैं, बाप रे कैसे होगा।
तो वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन देम। इसीलिए किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी भी काम को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर नेबरहुड। हमारे नेबरहुड के लिए हमारी क्या ड्यूटीज हैं? अभी तक तो हमने पढ़ा कि व्हाट आर आवर नेबरहुड प्लेसेस, कौन कौन से लोग उसमें काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं। नाउ द पॉइंट इज दैट व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर नेबरहुड। हमारा जो नेबरहुड है उसके लिए हमारी भी कुछ ड्यूटीज हैं, ठीक है। वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट नेबरहुड। ऐसा नहीं कि हमारे घर के पास अगर एक बैंक है, स्कूल है, प्ले ग्राउंड है, पोस्ट ऑफिस है, तो हम वहां जाते हैं, वो हमारा नेबरहुड है। वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट नेबरहुड। वो पूरा जो नेबरहुड है, वो पूरा जो एरिया है, उसके हम भी एक पार्ट है। हमारी कॉलोनी है, हमारा घर है, वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट नेबरहुड, ठीक है। सो वी विल टॉक अबाउट आवर ड्यूटीज कि हमें क्या क्या करना चाहिए कि जिससे हमारा नेबरहुड अच्छा रहे। ओके, सो आवर ड्यूटीज, ओ यू आर, आवर डी यू टी आई ई एस, ड्यूटीज, टी ओ डब्ल्यू ए आर डी एस, टूवर्ड्स आवर एन ई आई जी एच बी ओ यू आर एच डबल ओ डी, आवर ड्यूटीज टूवर्ड्स आवर नेबरहुड। ड्यूटीज का मतलब होता है हमारे क्या क्या काम है। जैसे आप बोलते हो ना, पापा ड्यूटी पे चले गए, पापा ड्यूटी पे चले गए मतलब पापा अपने काम के लिए गए, जो पापा को काम करना है। तो हमारी ड्यूटीज का मतलब है, आवर ड्यूटीज मीन्स हमारे जो काम है। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है उसकी तरफ। तो हमारे नेबरहुड की तरफ हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो काम है। ओके, सो नाउ लेट अस सी, वी हैव सर्टेन ड्यूटीज टू मेक आवर नेबरहुड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, ठीक है। वी हैव सर्टेन ड्यूटीज, यू टी आई ई एस, वी हैव सर्टेन ड्यूटीज टू मेक आवर एन ई आई जी एच बी ओ यू आर एच डबल ओ डी, वी हैव सर्टेन ड्यूटीज टू मेक अवर नेबरहुड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, ठीक है। सर्टेन मतलब कुछ, सर्टेन मतलब जो कुछ स्पेसिफाइड, जो कुछ खास ड्यूटीज है। सो वी हैव सर्टेन ड्यूटीज टू मेक अवर नेबरहुड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, मतलब हमारी, हमारे नेबरहुड के लिए कुछ स्पेसिफिक, कुछ खास ड्यूटीज हैं, जिससे कि हमारा नेबरहुड एक अच्छी जगह बन सके। बेटर मैंने बताया था कि बेटर इज गुड से और अच्छा। अभी इंग्लिश में जब ग्रामर में मैं बताऊंगी एडजेक्टिव्स, सो लाइक वी से गुड प्लेस, गुड माने ठीक है, अच्छी जगह है। व्हेन वी से बेटर प्लेस, तो बेटर मीन्स गुड से अच्छा, बेटर देन गुड, गुड बेटर बेस्ट, गुड मतलब हाँ ठीक है, अच्छा है, बेटर मीन्स और अच्छा, एंड बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। सो व्हेन वी से अ बेटर प्लेस, तो ठीक है हमारी सोसाइटी अच्छी जगह है, सब लोग अच्छे से रहते हैं, बट उसको हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, दैट इज बेटर। ओके, नाउ व्हाट आर द ड्यूटीज, दे आर, दीज ड्यूटीज आर, फर्स्ट इज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड क्लीन। सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है, एन ई आई जी एच बी ओ यू आर एच डबल ओ डी, वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड क्लीन। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, मतलब सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है कि हमें अपना नेबरहुड बहुत साफ सुथरा रखना है। बिकॉज नोबडी लाइक्स टू लिव इन अ डर्टी प्लेस। अगर आपके घर के आसपास भी गंदगी होती है तो यू डोंट लाइक इट,
अच्छा नहीं लगता हमें, जैसे हम अपना घर साफ सुथरा रखते हैं हमें अच्छा नहीं लगता है कि हमारा घर गंदा हो, तो इन द सेम मैनर हमारा जो नेबरहुड है मतलब जहाँ हम रहते हैं वहां भी उसके बाहर का एरिया, उसके आसपास का एरिया भी साफ सुथरा होना चाहिए। देर आर वेरियस रीजंस, गंदगी रहेगी तो जितनी गंदगी होती है उतनी तरह की डिजीजेज होती हैं, उतने तरह के जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं और उतनी तरह की डिजीज होती है, उतने तरह की बीमारियां फैलती हैं, ठीक है ना। सो वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड क्लीन। द सेकेंड पॉइंट इज द गार्बेज, पहले मैं लिख लूं फिर बताती हूँ। द गार्बेज फ्रॉम आवर हाउसेज शुड नॉट बी SHOULD, शुड नॉट बी THROWN, थ्रोन ऑन ROADS, रोड्स और स्ट्रीट्स, बट इन प्रॉपर बिग DUMPING डंपिंग एरियाज। ओके, सेकेंड पॉइंट इज द गार्बेज फ्रॉम आवर हाउसेस शुड नॉट बी थ्रोन ऑन रोड्स और स्ट्रीट्स बट इन प्रॉपर बिग डंपिंग एरियाज। मतलब हमारे घर से जो कूड़ा है वो हमें कहीं रोड पर ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए। शुड नॉट बी थ्रोन, थ्रोन माने फेंकना, शुड नॉट बी थ्रोन ऑन रोड्स और स्ट्रीट्स, रोड स्ट्रीट दोनों का मतलब है सड़क, ठीक है, सड़क पे हमें नहीं फेंकना चाहिए, बट इन प्रॉपर बिग डंपिंग बैग्स, डंपिंग बट इन प्रॉपर बिग डंपिंग एरियाज। डंप करना मतलब जहां ले जाकर के इकट्ठा करते हैं, डंप करना मतलब किसी भी चीज को इकट्ठा करना, तो इन प्रॉपर बिग डंपिंग एरियाज। जैसे हमारे घर के आसपास तो डंपिंग एरियाज नहीं होते हैं, हमारे घर के आसपास आपने देखा होगा बड़े बड़े डस्टबिन रखे रहते हैं, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बड़े बड़े डस्टबिन रहते हैं, बड़े बड़े बॉक्सेस जैसे रहते हैं। तो व्हाट आर वी सपोज टू डू कि अपने घर का जो हमारा गार्बेज है वो एक पॉलिथीन में करके बांध करके जो डंपिंग जो डस्ट अपने कूड़ा भरने वाले जो पॉलिथीन होते हैं उसमें भर करके वी शुड थ्रो डंप फ्रॉम वी शुड थ्रो गार्बेज। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा, हमारे घर का जो कूड़ा है वो हमें जाकर के पहले उन डंपिंग बॉक्सेस में या जो बड़े बड़े डस्टबिन होते हैं उसमें डालना चाहिए। फिर कभी आपने देखा होगा कि जो म्यूनिसिपैलिटी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है हर एक सिटी में, वहां की गाड़ी आती है, वहां की वैन आती है, उसमें से वो कूड़ा लेकर के जाते हैं एंड देन दे डंप द गार्बेज इन बिग डंपिंग एरियाज। क्योंकि डंपिंग एरियाज जो होते हैं वो सिटी से दूर होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि जहां कूड़ा फेंकेंगे वो जगह कहीं सिटी के अंदर तो होगी नहीं, तो वो सिटी से दूर होती है। तो हमारे लिए तो रोज रोज उतनी दूर जाकर के कूड़ा फेंकना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसके लिए क्या होता है कि आप कॉलोनीज में देखो कि आपने भी देखा होगा अपने घर के पास अपने कॉलोनीज में बड़े बड़े बॉक्सेस हैं या बड़े बड़े आप यू कैन से डस्टबिन्स, दे आर प्लेस एंड वी आर सपोज टू थ्रो गार्बेज फ्रॉम अवर हाउस इन दोज बिग डस्टबिन्स। वहां से फिर वो वैन आकर के कूड़ा लेकर के जाके डंपिंग एरियाज में वहां पे डंप करके आती है। ओके, सो क्लीन रखना है तो क्लीन रखने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें कूड़ा जो है सड़क पे नहीं फेंकना होगा, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में। रोड्स पे बहुत बार देखा होगा जो स्वीपर से वो झाड़ू लगाते रहते हैं, दे कीप क्लीनिंग द रोड्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लीन करते रहे और हम जाके वहां पे कूड़ा फेंकते रहे। लॉट ऑफ पीपल हैव दिस हैबिट, जाने सड़क पे बनाना खाया फेंक दिया, बहुत बार देखा है, बच्चे क्या बड़े लोग भी चलती हुई वैन से कार से हाथ निकाला चिप्स का पैकेट फेंक दिया बाहर, ठीक है, कुछ ऑरेंज खाया उसका पीस बाहर फेंक दिया, सो दैट इज वेरी बैड, वो बहुत गलत आदत है। ओके, एंड देन थर्ड पॉइंट इज वी मस्ट रेस्पेक्ट ऑल मेंबर्स ऑफ
our neighborhood. We must respect all members of our neighborhood, irrespective. IRRESPECTIVE. Irrespective of their jobs. ठीक है, मतलब हमें अपने नेबरहुड में वी मस्ट रेस्पेक्ट, जहां भी मस्ट वर्ड होता है, मस्ट का मतलब है हमें ऐसा करना ही चाहिए. शुड मीन्स ठीक है, करना चाहिए तो बहुत लोग करते हैं, नहीं करते हैं. बट इफ दिस वर्ड मस्ट इज यूज, मस्ट का मतलब है कि हमारे लिए जरूरी है ऐसा करना. देयर इज नो इफ एंड बट, कोई चॉइस नहीं है, हमें ऐसा करना ही है. ठीक है, सो वी मस्ट रेस्पेक्ट ऑल मेंबर्स ऑफ आवर नेबरहुड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जॉब्स. मतलब हमें अपने नेबरहुड के हर एक मेंबर की रेस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे उनकी कोई भी जॉब हो, वो कोई भी काम करते हो, हमें सबकी रेस्पेक्ट करना जरूरी है. ओके ओके, सो दीज आर द थ्री मेन ड्यूटीज, यू कैन से. ड्यूटी तो और भी हमारी बहुत सारी है, लेकिन मतलब वट एवर वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट. ठीक है, अपना जो भी हम अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं अपने नेबरहुड को एक अच्छी प्लेस बनाने के लिए. सो दीज आर, यू कैन से, द मेन ड्यूटीज विच एवरी वन कैन डू. ठीक है, कूड़ा नहीं फेंकना, घर का कूड़ा तो बड़े लोग फेंकते हैं, बट वी कैन ऑल्सो कीप अवर नेबरहुड क्लीन. हाउ? छोटे बच्चे हैं, जैसे आप लोगों टॉफीज खाई, चॉकलेट खाया, बिस्किट खाया, कोई फ्रूट खाया, सो डू नॉट थ्रो द रैपर हियर एंड देयर, थ्रो इट एट द प्रॉपर प्लेस. जो भी डस्टबिन बना हुआ है वहां जाके फेंको. एंड इफ यू डू नॉट फाइंड एनी डस्टबिन, घर लेकर आ जाओ, घर में डस्टबिन में डाल दो. ओके, छोटे बच्चे हो, रास्ते में कोई भी बड़ा आपको मिलता है, इफ यू सी एनी वन जो आपके नेबरहुड में, ऑफकोर्स नॉट टू ऑल द पीपल, ऐसा नहीं है कि कोई अननोन पर्सन भी है उसके साथ भी बात करने लगे, नो, बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. ठीक है ना, यू शुड नेवर टॉक विथ एनी वन विथ हुम यू आर नॉट फेमिलियर, जो आपके लिए एकदम अननोन है, उससे कभी भी बात नहीं करना. फाइन, तो जब आप अपने नेबरहुड में, अपने घर से बाहर निकलते हो, वेन यू सी पीपल हु आर योर नेबर्स, जिनको आप पहचानते हो, जिनसे फेमिलियर हो, गिव देम ड्यू रेस्पेक्ट, चाहे वो कोई भी काम करते हो. ठीक है ना, इसीलिए हम लोग कभी भी हम वी से दाई आंटी, दाई दीदी, आया दीदी, ठीक है ना, कभी भी हम ऐसे उनको डिसरेस्पेक्ट दे करके उनकी हम डिसरेस्पेक्ट नहीं करते, वी ऑलवेज गिव देम रेस्पेक्ट. ठीक है, बिकॉज एवरी वन इज परफॉर्मिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, हर कोई बहुत जरूरी काम करता है. ओके, सो वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड क्लीन. सबसे इम्पोर्टेंट चीज, नेबरहुड क्लीन रखना है. कैसे रखना है? द गार्बेज फ्रॉम आवर होम्स शुड नॉट बी थ्रोन ऑन रोड्स और स्ट्रीट बट इन प्रॉपर बिग डंपिंग एरियाज. मतलब हमारे घर का जो कूड़ा है वो हमें सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, जो उसकी फेंकने की जो प्रॉपर जगह है वहां पे फेंकना चाहिए. रोड्स एंड स्ट्रीट्स, रोड्स ऑब्लिक स्ट्रीट, देयर इज नो डिफरेंस एज सच बिटवीन रोड एंड स्ट्रीट. जैसे जो सिटी के अंदर रोड्स होती हैं उनको हम स्ट्रीट भी बोलते हैं, दोनों साइड बिल्डिंग्स होती हैं. ठीक है, दोनों साइड बिल्डिंग्स हैं, शॉप्स आर देयर, ऑफिसेज आर देयर, सो उसको हम स्ट्रीट भी बोलते हैं. ठीक है, इन मेनी कंट्रीज जैसे ब्रिटेन वगैरह में वो स्ट्रीट बोलते हैं, स्ट्रीट नंबर दिस, स्ट्रीट नंबर दिस. ठीक है, स्ट्रीट बोलते हैं. सिटी से बाहर नॉर्मली जब हम एक सिटी से दूसरी जगह जा रहे हैं या एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, सिटी के बाहर की जो सड़क होती है, हिंदी में तो रोड भी सड़क है, स्ट्रीट भी सड़क है, तो सिटी के बाहर की जो सड़क है उसे हम रोड बोलते हैं. सिटी के बाहर इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑन बोथ साइड्स वी हैव बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, हाउसेज. जब बाहर आप जाते हो, सिटी से बाहर जाते हो, तो कई बार देखा होगा दोनों साइड ग्रीनरी है, खेत है, पेड़ है. ठीक है, उसको हम रोड बोलते हैं, उसको स्ट्रीट हम नहीं कहते हैं. सिटी के अंदर जब हम जो रोड्स होती है उनको हम स्ट्रीट भी कह सकते हैं. सो देयर इज नो डिफरेंस एज सच बिटवीन रोड एंड स्ट्रीट. ठीक है, जैसे बोलते हैं बिफोर क्रॉसिंग द रोड वी ऑल्सो, सम पीपल ऑल्सो से बिफोर क्रॉसिंग द स्ट्रीट. ठीक है, देन वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल मेंबर्स ऑफ आवर नेबरहुड इज रेस्पेक्टिव ऑफ देयर जॉब. उनका जो भी जॉब है हमें अपने नेबरहुड के हर किसी की इज्जत करनी चाहिए. ओके, सो प्ले अ पार्ट टू मेक योर लिविंग प्लेस अ बेटर प्लेस. मतलब प्ले अ पार्ट मतलब आपका अपना जो रोल है, आपका जो अपना पार्ट है, उसको आप परफॉर्म करो टू मेक योर लिविंग अ बेटर प्लेस.
टू मेक योर लिविंग प्लेस अ बेटर प्लेस, मतलब अपनी लिविंग प्लेस को और बेटर प्लेस बनाने के लिए आपका जो पार्ट है यू जस्ट प्ले योर पार्ट, ठीक है, मतलब आपको जो करना है व्हाट यू आर सपोज टू डू। सो अगर हर कोई ऐसे सोचता है, अगर हर कोई जिसका जो भी रोल है, जिसका जो भी ड्यूटी है, जिसकी जो भी ड्यूटी है, जिसका जो भी पार्ट है, अगर हर कोई अपना अपना पार्ट ढंग से करेगा तो आवर लिविंग प्लेस विल डेफिनेटली बिकम अ वेरी वेरी गुड प्लेस, मतलब बेटर से भी कहीं बहुत अच्छी हो जाएगी, इफ नॉट बेस्ट लेकिन बेटर से भी अच्छी। ओके योर चिल्ड्रन ट्राई दिस, दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आज मैं बताती हूँ डिड यू नो, ठीक है। नाउ जैसे मैंने स्कूल में बताया कि देर आर मेनी पीपल, हमने इसके पहले जो माई स्कूल चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि अपार्ट फ्रॉम प्रिंसिपल, टीचर्स, ऑफिस स्टाफ, देर आर लॉट ऑफ अदर पीपल हु वर्क इन द स्कूल, लाइक स्वीपर इज देयर, वॉचमैन इज देयर, जो वॉचमैन होते हैं गेट पे रहते हैं, कोई आता है स्कूल से, कोई बाहर जाता है तो सब नोट करते हैं, देन ड्यूरिंग द नाइट ऑल्सो दे आर देयर, क्योंकि स्कूल की सिक्योरिटी है तो स्कूल को मतलब गार्ड भी करना है, तो जो वॉचमैन है, गार्ड है, दे गार्ड द स्कूल, देन स्वीपर्स आर देयर टू कीप द स्कूल क्लीन, गार्डनर इज देयर टू मेंटेन द गार्डन, देन कैंटीन इन चार्ज, मतलब द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ कैंटीन, जो कि कैंटीन रन करते हैं, दैट पर्सन इज ऑल्सो देयर। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हु वर्क इन अ स्कूल बिसाइड्स टीचर्स, प्रिंसिपल एंड ऑफिस स्टाफ। प्रिंसिपल, टीचर और ऑफिस स्टाफ को छोड़ करके और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि स्कूल में काम करते हैं। ओके देन इन द चैप्टर माई स्कूल वी टॉक्ड अबाउट यूनिफॉर्म, जो चैप्टर हमने पढ़ा माई स्कूल उसमें हमने यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ा था। ओके व्हाट इज अ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस विच इज वोर्न बाय स्कूल चिल्ड्रन। अपार्ट फ्रॉम स्कूल चिल्ड्रन देर आर सम अदर प्रोफेशंस ऑल्सो जहां पे एक स्पेसिफाइड ड्रेस पहननी पड़ती है, मतलब एक खास ड्रेस पहननी पड़ती है, ऑल्दो दे आर ऑल एडल्ट, सब बड़े बड़े लोग हैं, काम पे जाते हैं, बट उनको एक स्पेसिफिक ड्रेस पहननी पड़ती है विच इज नोन एज यूनिफॉर्म। जैसे आपके पापा जब ड्यूटी पे जाते हैं तो जिसके पापा आर्मी में होंगे वो आर्मी वाली यूनिफॉर्म पहनते होंगे, जिसके पापा एयरफोर्स में होंगे वो एयरफोर्स वाली यूनिफॉर्म पहनते होंगे, इजंट इट। जो एयरफोर्स की जो भी यूनिफॉर्म है, लाइट ब्लू शर्ट, डार्क ब्लू पैंट, जो भी यूनिफॉर्म है, मतलब वो यूनिफॉर्म पहनते होंगे, जिसको हम हिंदी में वर्दी कहते हैं। जिसके पापा आर्मी में होंगे वो अपने ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म पहनते होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर सम अदर प्रोफेशंस ऑल्सो विच हैव अ स्पेसिफिक ड्रेस। ओके लाइक यू वेयर अ यूनिफॉर्म इन योर स्कूल, अ फ्यू हेल्पफुल पीपल ऑल्सो वेयर स्पेसिफिक यूनिफॉर्म विच इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस, लाइक डॉक्टर्स, नर्स, पायलट, वॉचमैन एक्सेट्रा। जैसे मैंने डिफेंस सर्विसेज, जैसे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इनका मैंने एग्जाम्पल दिया। आप रास्ते में बाहर निकलते हो, ट्रैफिक पुलिस को देखा होगा, दे ऑल्सो हैव अ स्पेसिफिक ड्रेस, उनकी व्हाइट शर्ट, ब्लू पैंट होती है। जो पुलिस वाले होते हैं उनकी भी एक स्पेसिफिक ड्रेस है, वो खाकी कलर का पैंट और शर्ट पहनते हैं, है ना, देखा होगा। देन वेन यू गो टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की ड्रेस इन द सेंस कि वो डॉक्टर्स को आप देखोगे व्हाइट कलर का एक कोट पहनते हैं, वो गले में उनके स्टेथोस्कोप रहता है हमेशा। एंड व्हेन द डॉक्टर्स परफॉर्म सर्जरी, जब वो सर्जरी के लिए जाते हैं तब वो एक उनके एक स्पेशल टाइप की ड्रेस होती है, वो पूरा ऊपर से नीचे तक लेकर के एक ड्रेस पहनते हैं, सर पे कैप लगाते हैं, हाथ में ग्लव्स पहनते हैं कि किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो वो उनकी एक स्पेशल ड्रेस होती है। हॉस्पिटल में सिस्टर्स को आपने देखा होगा, जो नर्सेज होती हैं उनकी एक स्पेशल ड्रेस होती है, कई साड़ी पहनते हैं, कई सूट पहनते हैं, कहीं पे किसी कलर की साड़ी पहना, कुछ भी पहना, जो भी उनकी स्पेसिफाइड ड्रेस है। ऑल द नर्सेज, ऑल द सिस्टर्स वेयर द सेम यूनिफॉर्म। जो गार्ड होते हैं, वॉचमैन होते हैं, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी बिल्डिंग में, ऑफिस में, जो भी उनकी ड्रेस है, वॉट एवर इज देयर ड्रेस, वो अपनी ड्रेस पहनते हैं। पायलट्स को आपने देखा होगा, जो पायलट होते हैं अलग अलग एयरलाइन के, अगेन डिफरेंट एयरलाइंस हैव देयर ओन ड्रेस। जैसे जो पायलट्स होते हैं, जो एयर होस्टेस होती हैं, तो हर एक एयरलाइन की अपनी अलग अलग ड्रेस हो सकती है, अलग कलर हो सकता है, अलग डिजाइन हो सकता है, बट एवरी एयरलाइन हैज देयर ओन स्पेसिफिक ड्रेस। तो उस एयरलाइन में काम करने वाले सारे लोग
वही स्पेसिफिक ड्रेस पहनते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास. देन ट्राई दिस, देन कीवर्ड्स एंड थिंग्स टू रिमेम्बर, दिस वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास. तो आज हमने मेनली चैप्टर, वी हैव फिनिश द चैप्टर. अभी चैप्टर के बाद जो चैप्टर के कीवर्ड्स हैं वो रह गए. अभी जो चैप्टर की पूरी जो समरी होती है, ठीक है, जो पूरा चैप्टर की जिस्ट होती है, पूरी समरी होती है, दैट इज थिंग्स टू रिमेम्बर. पूरे चैप्टर की समरी जो पॉइंट वाइज रहती है वो हमें करना है. सो वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास. सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रेन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.